ये वीडियो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की तरफ से नोटिफिकेशन देने के लिए बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। इसमें सेमेस्टर एग्जाम के टाइम टेबल है, ठीक है, जो पहले जारी हो चुके थे वो रिवाइज है और कुछ नए टाइम टेबल जारी हुए हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी एडमिशन CUET के होने वाले हैं उसका पूरा शेड्यूल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कब मेरिट लिस्ट आएगा, कितने राउंड होंगे एडमिशन के, स्पेशल ऑफलाइन यहाँ पर काउंसलिंग होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जिन्होंने CUET का पेपर नहीं दिया है इंटरेस्टेड वो भी एडमिशन ले सकते हैं। मुझे किसी ने व्हाट्सएप या मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछा था कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो ठीक है, उनको मैंने उस टाइम बोला था कि CUET के बिना आप लोग ये जो है इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके अकॉर्डिंग जो CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है वो भी इसमें एडमिशन ले पाएंगे। उसके लिए क्या कंडीशंस है ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने राउंड होंगे, किस प्रकार से, सारी एक एक डिटेल में हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और भी जानकारी जितना भी अभी CUET UG का एडमिशन होने वाला है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। चलिए फटाफट यहाँ पर जो टाइम टेबल है उसको देख लेते हैं, टाइम टेबल के बारे में कौन कौन से एग्ज़ाम है। तो देखिए बी फॉर्म फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के ATKT की परीक्षा पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र में फार्मेसी बिल्डिंग में सुबह 10 से 1 बजे के बजाय उसको चेंज कर दिया गया है। पहले 10 से 1 बजे था, उसको 2 से 5 बजे तक होगी, ठीक है, बाकी वैसे ही रहेंगे, ये ध्यान देना है बी फॉर्म का। और उसके बाद यहाँ पर संशोधित इसमें भी आया है रिवाइज्ड, तो BTech सिविल इंजीनियरिंग न्यू 6th सेमेस्टर एग्जाम सेंटर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, टाइमिंग 2 से 5 बजे रहेगा। ये इसका गलती से इसमें मिसप्रिंट होके ये जो हो गया था 28 जुलाई हो गया था, ठीक है, वो अब 28 अगस्त के दिन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पेपर होगा, ठीक है, और 30 जो जुलाई हो गया था वो 30 अगस्त को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 होगा। अब तो जो 7 हो गया था मिसप्रिंट यहाँ पर मिसटाइप जो भी कुछ है, तो वो अब 30 अगस्त को होगा, ठीक है, ये दो हो गया चेंजेस। उसके बाद यहाँ पर सप्लीमेंट्री का टाइम टेबल आ चुका है, BTech के 5th और 6th सेमेस्टर की सप्लीमेंट्री, ठीक है, इसका आप लोग एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे समर्थ पोर्टल से, है ना, प्रवेश पत्र समर्थ पोर्टल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर श्री के राय का मोबाइल नंबर है, अगर डाउनलोड नहीं होता है तो फिर इसको आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर परीक्षा प्रारंभ होने के 3 दिन पहले परीक्षार्थी के अभी प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र समर्थ पोर्टल से डाउनलोड कर संबंधित केंद्र अध्यक्ष को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, ठीक है। तो यहाँ पर BTech के सिविल इंजीनियरिंग का देख लेते हैं, टाइम 2 से 5 बजे है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिल्डिंग इसका एग्जाम सेंटर है। तो BTech का 27 अगस्त को स्टार्ट होगा और 27, 29 अगस्त, फिर 2 सितंबर, 4 सितंबर और 6 सितंबर के दिन ये पेपर है। यहाँ सब्जेक्ट लिखे गए हैं, मैं इसका PDF फॉर्म आपको अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप सब्जेक्ट देख सकेंगे। BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग न्यू का भी 27 अगस्त से 6 सितंबर है, सब्जेक्ट यहाँ पर साइड में लिखे गए, आप देख लीजिएगा। और BTech केमिकल इंजीनियरिंग न्यू का भी 27 अगस्त से 9 सितंबर तक ये होंगे, 27, फिर 29 अगस्त, 2 सितंबर, 4 सितंबर, 6 सितंबर और 9 सितंबर को। उसके बाद BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग न्यू का 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और ये 29 अगस्त और 2 सितंबर के 3 पेपर इसके होंगे। उसके बाद यहाँ पर BTech इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग न्यू का, इनका भी 27 अगस्त से 9 सितंबर तक होने वाले हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे गए हैं। तो आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा PDF में, वो आप लोग इसको देख सकेंगे। BTech इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 27 अगस्त से 6 सितंबर तक, BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग न्यू ये भी सेम डेट में है। और उसके बाद यहाँ पर BTech के 6th सेमेस्टर का, BTech सिविल इंजीनियरिंग न्यू 6th सेमेस्टर का ये आ चुका है, तो इसका
बी 28 अगस्त से होगा सिविल इंजीनियरिंग का, 28 अगस्त को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, 30 सितंबर को, अच्छा एक मिनट इसमें थोड़ा सा ये हो चुका है जिस हिसाब से यहाँ पे शायद, हाँ ठीक है, बीटेक का यहाँ पर 28-30 का इसका रिवाइज डे जारी हुआ है, मैंने ऊपर ही बताया हूँ। 3 सितंबर को एक पेपर होगा सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का न्यू का 28 अगस्त को सीमॉस डिजिटल VSLA डिजाइन, और 30 अगस्त को होगा, 3 सितंबर, 5 सितंबर और 10 सितंबर के दिन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 6th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग न्यू का होगा। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग न्यू का 28 अगस्त, 30 अगस्त, 3 सितंबर और 5 सितंबर को, ये 4 दिन इसके पेपर होंगे। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग न्यू का 28 अगस्त, 30 अगस्त और 3 सितंबर को होगा। बीटेक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग 28 अगस्त, 30 अगस्त, 3 सितंबर, 5 और 10 सितंबर को होंगे। और बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 28 अगस्त, 30 अगस्त, 3, 5 और 9 सितंबर को ये पेपर होंगे, 5 पेपर। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2 पेपर होंगे, वो 28 अगस्त को मशीन डिजाइन 2 और 30 अगस्त को हीट एंड मास ट्रांसफर, ये होने वाला है। अब बात करते हैं CUET के पूरा शेड्यूल के बारे में, कब से कब तक ये होगा। उसके पहले एक सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है, उसका भी सेमेस्टर एग्ज़ाम है MPharm के सेकंड सेमेस्टर का, तो ये 2 से 5 बजे का टाइमिंग है, यहाँ पर देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि लगा है टाइम टेबल में, मैं आपको बताता हूँ। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का न्यू का 28 जुलाई का दिया है और 30 जुलाई का, वो तो डेट पास हो चुकी है, तो यहाँ पर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जो रिवाइज्ड दिया है डेट उनका क्या है। हाँ ठीक है, यही यहाँ पर पहले ही रिवाइज करके यहाँ दिया गया 28 अगस्त और 30 सितंबर है, जो मिस प्रिंट हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है, और पहले रिवाइज में बता दिया हूँ ऊपर में। उसके बाद यहाँ पर MPharm के सेकंड सेमेस्टर मेन ATKT का परीक्षा टाइम टेबल आ चुका है, तो देखिए MPharm सेकंड सेमेस्टर मेन ATKT एग्जामिनेशन 2 से 5 बजे, एग्जाम सेंटर फार्मेसी बिल्डिंग। तो MPharm का सेकंड सेमेस्टर का 23 अगस्त, 27 अगस्त, 30 अगस्त और 2 सितंबर को ये 4 फॉर्म होंगे। फार्माकोलॉजी का भी सेम डेट है 4 पेपर, फार्मास्यूटिक्स का भी सेम डेट है 4 पेपर, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर ये भी सेम डेट में होने वाला है, 23 अगस्त, 27 अगस्त, 30 अगस्त और 2 सितंबर। अब यहाँ पे CUET के जो एडमिशन है उसको लेकर यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। आज जो है देखिए 16 अगस्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन आप लोग 16 अगस्त तक कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिंक है, इस लिंक पर जाकर। इसके लिए फीस जो जनरल है OBC और EWS के लिए 250 रुपये, SC ST PWD के लिए 100 रुपये रखा गया, ऑनलाइन ही ये फीस देना देकर उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जो है 21 अगस्त को, आने वाले 21 अगस्त को इसकी सामान्य मेरिट लिस्ट जारी होगी। 22 अगस्त को कैटेगरी वाइज काउंसलिंग लिस्ट जारी होगी। देखिए 22 अगस्त को शाम 5 बजे या उससे पहले के दौर के लिए उम्मीदवारों को ईमेल भेजेंगे, और विभागों द्वारा जो श्रेणी चरणवार कट ऑफ अंक यूनिवर्सिटी के इसमें भी आएगा, वो हमारे चैनल पर भी आएगा 22 अगस्त को, आप लोग चेक कीजिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के रखें, जब भी हम ये वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। कॉमन मेरिट लिस्ट 21 अगस्त को आएगा, 22 अगस्त को जो है इसका जिनको काउंसलिंग में जाना है एक्चुअल में पहले चरण की काउंसलिंग में, उनका यहाँ पर लिस्ट आएगा। और 29 अगस्त तक जो 22 अगस्त को आ जाएगा, उसके बाद 29 अगस्त तक आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा कर फीस जमा करके काउंसलिंग करनी है, ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग।
यहाँ पर 29 अगस्त को होगी, ठीक है, उतने दिनों तक। दूसरे चरण के प्रावीण्य सूची की घोषणा, अब उसमें सीट खाली रह जाती है, अगर पहले ये सेकंड राउंड कब आता है, जब पहले राउंड में सीटें नहीं भर पाती है, चलता है सेकंड राउंड तक, मुझे एक्सपीरियंस है पिछले सालों का, तो पहले राउंड में फुल नहीं होती, तो सेकंड राउंड का भी होता है। तो 30 अगस्त को यहाँ पर सेकंड लिस्ट आएगी शाम के 4 बजे तक, और यहाँ पर उसके लिए फिर एडमिशन 4 सितंबर तक ले सकते हैं उस लिस्ट के हिसाब से। ऑफलाइन इसकी काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस जमा वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद 4 तारीख को भी ये फुल नहीं होता है, तो फिर तीसरे राउंड की लिस्ट जारी होगी, तीसरे राउंड के एडमिशन के लिए 6 अगस्त के बाद सितंबर को, ठीक है, 6 सितंबर को, 4 सितंबर को इनका एडमिशन का रहेगा सेकंड राउंड का, उसके बाद नहीं फुल होता है। तो 6 सितंबर को एक तीसरी लिस्ट जारी होगी और उसमें एडमिशन 10 सितंबर तक होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूँ, 10वीं 12वीं की जो है अंक सूची लगेगी, यहाँ पर जाति PWD EWS ये सारी चीज़ें, गैप है तो गैप, CUT UG का जो एडमिशन फॉर्म था वो, और उसका स्कोर कार्ड लगेगा। ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके, TC आप लोग को उसी समय जमा करना है, अगर नहीं जमा कर रहे हैं तो एक शपथ पत्र भरना होगा, और शपथ पत्र में आप अगले राउंड की काउंसलिंग के पहले वो आपको ओरिजिनल जमा करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जाकर सत्यापन करवाएंगे काउंसलिंग के दिन, तब जाके आपका एडमिशन होगा। अब शुल्क का भुगतान केवल मोबाइल या स्वाइप मशीन के माध्यम से होगा, ठीक है, और एक बार आप लोग जमा कर दिए तो किसी भी उम्मीदवार को वापस नहीं किया जाएगा। हालांकि यूनिवर्सिटी के सुसंगत उपयुक्त अध्यादेश के प्रावधान के अनुसार उम्मीदवारों को प्रतिदेय शुल्क वापस कर दिया जाएगा। बाद में एडमिशन कैंसिल होता है तो 1000 रुपये काट कर आपको वापस किया जाता है, ऐसा भी होता है, मुझे पहले का पता है, ठीक है। अब यहाँ पर काउंसलिंग में जो लोग आएंगे और लिस्ट में CUT परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर इनकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो आपका इसको CUT का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अगर किसी का सेम आ जाता है नंबर तो उसके 12वीं के नंबर को देखा जाता है, अगर 12वीं के नंबर भी सेम है तो 10वीं का भी सेम आ जाता है, तो जिसकी एज बड़ी रहेगी उनको टॉप में नाम उसका ऊपर रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरिट लिस्ट तैयार होने का। उसके बाद फीस जो जमा करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और फीस जो जमा करेगा उसका एडमिशन होगा, बाकी का नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन भुगतान आप लोग वेबसाइट पर इसका लिंक अवेलेबल रहेगा, वहां से आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहां पर और बता दूं, विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग जो मैं आपको बता रहा था, स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग, तो 10 सितंबर को, अब ये 9 सितंबर तक तो इनके एडमिशन होंगे तीसरे राउंड के, अगर उसमें भी खाली रह जाती 10 सितंबर को लोग चेक करेंगे, तो अगर उसमें भी खाली है तो फिर ऐसे में खाली सीटों को भरने के लिए 13 सितंबर को एक विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, ठीक है। और इसकी जो लिस्ट है, 13 को काउंसलिंग होगी तो 11 तारीख को लिस्ट आ जाएगी कि कितनी सीटें किस किस सब्जेक्ट की खाली है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें उसकी लिस्ट हमको 11 सितंबर को मिल जाएगा। अब जो भी इच्छुक उम्मीदवार रहेंगे, जो CUT का एग्जाम दिए हैं तो भी और नहीं दिए हैं तो भी, तो वो लोग यहाँ पर CUT का आवेदन पत्र यदि उपलब्ध हो, तो CUT का स्कोर कार्ड अगर उपलब्ध हो, या फॉर्म भी नहीं भरे तो भी, जो 12th पास है, जो इसका फॉर्म नहीं भरे 12th पास है, वो जा सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा उस दिन, जाति प्रमाण पत्र, अंक सूची के प्रमाण पत्र, सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, और एक सादे कागज पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है रिक्त सीटों में वाले संबंधित विभाग में, जो भी सब्जेक्ट में आप लेना चाहते हैं वो एक सादे कागज में लिख कर दे देना है 13 सितंबर को सुबह 11 बजे से पहले, मतलब 9 बजे आप वहां जाना है, 8:30-9 बजे सुबह चले जाना, वहां पे वो फॉर्म सब जमा कर देना। जिन अभ्यर्थियों ने गलती से अपना मुख्य आवेदन पत्र में जो श्रेणी है, जो कास्ट है, जाति श्रेणी गलत हो गया, उसको सुधारना चाहते तो एक सादे कागज पर आपको लिखकर आवेदन जमा कर देना है। अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस विशेष चरण में अपने CUT आवेदन को एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए उस दिन
क्या होगा कि आप अपने सब्जेक्ट को भी अगर अवेलेबल है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये विशेष काउंसलिंग किस कंडीशन में होगी, अगर तीसरे राउंड को मतलब 9 सितंबर को के बाद भी अगर सीटें खाली है तभी ये होगा, ठीक है। तो जो 24 अभी जो सीटी के एग्ज़ाम उसमें शामिल नहीं हुए हैं, 11 सितंबर को रिक्त सीटों के लिए प्रवेश लेने के इच्छुक है वो, ठीक है, वही बता चुके हैं। और इसका टाइमिंग, यहाँ पर विभाग अपने विभागों में आने वाले उम्मीदवारों से अनुरोध प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। ये मेरिट लिस्ट है इनका, जो बिना सीटी वाले जाएंगे उसके 12वीं के अंक के आधार पर इनका वहीं पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और बाकी एक समान मेरिट अगर 12वीं का है तो 10वीं का देखा जाएगा, 10वीं का है तो फिर एज देखा जाएगा। इस प्रकार से उनका ऑफलाइन में काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट तैयार होगा। 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक आपको वहां जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा, आप 8:30 बजे चले जाइए, सब पता कर लीजिए क्या हो रहा है वहां पर, डॉक्यूमेंट काउंटर में सब जमा कीजिए। उसके बाद ये इनका 1 से 1:30 बजे के बीच मेरिट सूची अधिसूचित करेंगे उन्हें, तो उसी दिन फीस भी जमा करना होगा, सारी तैयारी करके ले जाइएगा, ठीक है। अब बात करते क्लासेस की, तो क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वहाँ पर जो वो है 9 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले राउंड के स्टूडेंट तो दूसरे राउंड के स्टूडेंट एडमिशन ले चुके होंगे, तो उनके लिए क्लासेस जो है 9 सितंबर से यहाँ पर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आने वाले लिस्ट के जानकारियों के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से दबाइए, ताकि मैं जब भी इसका अपडेट डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।